तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवीज एक्सपी में। आज हम करने जा रहे हैं वेटलैंड मूवी का हिंदी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको इसी टाइप की मूवीज या दूसरे टाइप की मूवीज भी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको ऐसी ऐसी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन हर हफ्ते मिलती जाएगी। चलिए मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हेलेन को जो स्केटबोर्ड चला रही होती है और अचानक से उसे बैक में बहुत ज्यादा पेन होने लग जाता है, इचिंग होने लग जाती है। तो वो टॉयलेट में जाके क्रीम लगाती है, तब उसको थोड़ा आराम मिलता है। तभी उसको वहां पे एक स्पर्म गिरा दिखता है। तब उसे अपना बचपन याद आ जाता है जब उसकी माँ उसके टॉयलेट को साफ करती थी, क्योंकि उन्हें मतलब साफ सफाई से बहुत ज्यादा मतलब ऑब्सेस्ड थी वो। उन्हें पता नहीं क्या डिसऑर्डर टाइप का था, मतलब वो कहीं कुछ गंदा देख ही नहीं सकती थी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हेलेन जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स कर रही होती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को मास्टरबेट करती है, जिसके बाद वो उसका स्पर्म उसके हाथ में गिर जाता है और वो उस स्पर्म को लेकर घर चले जाती है। घर जाकर वो स्पर्म को सूखने देती है, फिर उसको गोल और घुमा कर उसे खा लेती है। मतलब अजीब ही लड़की थी ये। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं हेलेन की दोस्त कॉर्निया जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रही होती है। सेक्स के दौरान उसके बॉयफ्रेंड को पता नहीं कहाँ किस टाइप का जोश चढ़ता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है मेरी पीठ पे पूप कर दो। बॉयफ्रेंड के इतने प्रेशर देने के बाद वो उसके पीठ में पूप कर देती है, जिसके बाद ये पूरी खबर पूरे कॉलेज में फैल जाती है। कॉर्निया अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलेन अपने फादर के घर जाती है। अब उसके माँ बाप का डिवोर्स हो जाता है तो दोनों अलग अलग रहते हैं। फिर हम देखते हैं हेलेन को जो अपने फादर को किसी और लड़के के साथ सेक्स करते हुए देखती है। उनको सेक्स करते हुए देख वो वहीं बैठ के उनको देखने लग जाती है। तो उसके फादर कहते बेटा एक बार नॉक तो कर लेती, माना ही तुम्हारे पिताजी का ही घर है और बेटा नॉक तो कर लेना था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलेन अपने वजाइना को शेव कर रही होती है, पर गलती से उसकी बड्स में कट लग जाता है, जिससे ब्लीडिंग होने लग जाती है। वो इसको इग्नोर करके स्कूल चले जाती है। वो स्कूल में भी ढंग से चल नहीं पा रही होती है, सब उसे देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर कहता है एक तो तुम्हारी बड में कट लग गया है और प्लस तुम्हें पाइल्स भी है, जिसके बाद वो लोग ऑपरेशन की तैयारी करने लग जाते हैं। जिसके बाद वहाँ एक लड़का आता है जो एक नर्स रहता है। अब हेलेन रॉबिन से जो नर्स था उससे फ्लर्ट करने लग जाती है और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उस समय आ जाती है, उसे देखकर बहुत नाराज हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और रॉबिन उससे पूछता है क्या तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो उसे उनका नंबर देती है और कहती है इन्हें दोनों को एक ही टाइम पे बुलाना। अब फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ उसकी फ्रेंड अपने प्राइवेट पार्ट की स्मेल को बॉडी में लगा रही थी, क्योंकि उसका मानना था कि जैसे एनिमल की स्मेल से दूसरे एनिमल अट्रैक्ट होते हैं वैसे ही शायद इससे दूसरे लड़के अट्रैक्ट हो जाएं। जिसके बाद वो फ्लैशबैक से बाहर आती है और रॉबिन उसे कहता है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हुई। अब सीन शिफ्ट होता है और रॉबिन को वो कहती है कि उसके बर्ड की फोटो खींचो, पर रॉबिन मना कर देता है, पर वो बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है रॉबिन को, तो रॉबिन फोटो ही खींच रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आ जाते हैं और हेलेन की मदर भी वहाँ आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और वो अपनी मॉम को कहती है थोड़ी देर बाद आना। वो वेट ही कर रही थी कि शायद उसके डैड आ जाएं, पर उसके डैड नहीं आते। वो फिर उसकी मॉम उसे एक बीज देती है जो चाहती है कि वो अपने घर में उगाए, लेकिन वो उस बीज से ही सीड्यूस करने लग जाती है। मतलब क्या ही लड़की थी। जिसके बाद मास्टरबेशन करने के बाद वो बीज उसकी वजाइना में फंस जाता है, वहीं पे अपनी ग्रोथ करना चालू कर देता है, मतलब नीचे से उसका पेड़ उगने लग जाता है। जिसके बाद वो सिर्फ बहुत डर जाती है और वो अपनी इमेजिनेशन से बाहर आ जाती है। अब देखती है कि उसके डैड आ गए हैं। वो बार बार क्लॉक की तरफ देखती है कि शायद उसकी मॉम आ जाए, पर उसकी मॉम नहीं आती और डैड चले जाते हैं। और फिर मैडम फिर से रॉबिन को छेड़ने लग जाती है। अब एक दिन हेलेन अपने स्केटबोर्ड से हॉस्पिटल में घूम रही होती है, जहां वो देखती है रॉबिन की गर्लफ्रेंड का बर्थडे है और वो सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो उसे ये सब अच्छा नहीं लगता। वो पूरी न्यूड होकर घूमने लग जाती है। अब जिसके बाद हेलेन ठीक हो जाती है और हेलेन को वापस घर जाना होता है, पर उसे घर नहीं जाना था, तो अपने बर्ड्स में इतनी जोर से मुक्का मारती है, जिसके बाद उसे फिर से ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है और फिर से वहाँ वो कुछ दिन रहती है। अब वापस से वो फाइनली ठीक हो जाती है और जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकल रही थी उसे रॉबिन मिलता है। वो दोनों किस करते हैं, ये उसके पेरेंट्स देखते हैं और ये देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना, क्या हमें अच्छा करना है आप लोग बताइए, क्या करना है आप लोग बताइए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना।
तो मिलते हैं दूसरी मूवी के लिए।